लिंगम भगवान शिव की कामनाओं का एक खास प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो दर्शाता है कि सृष्टि की रचना इसी से हुई थी। ये अपने अस्तित्व और अपनी शक्तियों को समय समय पर साबित करता रहता है। एक प्राचीन ग्रंथ के मुताबिक मरकथा नाम का एक रतन जो 9 सबसे बेशकीमती और शक्तिशाली पत्थरों में से एक था, और इस बेशकीमती पत्थर को ही बाद में एक लिंगम में परिवर्तित किया गया जिसका नाम पड़ा मरकथा लिंगम। हमारे पूर्वजों का मानना है कि वो लिंगम युगों से अस्तित्व में है। एक बार मुसुगुंदन नाम के एक इंसान ने देवों के राजा भगवान इंद्र की मदद की, जिसके बदले में भगवान इंद्र ने मुसुगुंदन नाम के उस इंसान से एक वर मांगने को कहा। तो उसने भगवान इंद्र से वो मरकथा लिंगम मांगा जिस लिंगम की भगवान इंद्र पूजा करते थे। इसलिए भगवान इंद्र ने उनके जैसे दिखने वाले 6 और लिंगम बनाए और मुसुगुंदन से असली लिंगम पहचान कर ले जाने को कहा। तो मुसुगुंदन ने बड़ी ही होशियारी से मरकथा लिंगम को पहचान लिया और अपने साथ भगवान इंद्र के दिए हुए मरकथा लिंगम को लेकर चले गए। भगवान इंद्र ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि वो और उसके लोग हमेशा खुश और खुशहाल रहेंगे। ये कहानी है उन खास मरकथा लिंगमों की जो महानंदीश्वर के मंदिरों में स्थापित है, और जिस मंदिर में मरकथा लिंगम है उसकी शक्तियां भी असीम है। जो भी मरकथा लिंगम की आराधना करता है उस पर ईश्वर की खास कृपा रहती है। जो पवित्र राख इस पर छिड़की जाती है उससे तरह तरह की अशुद्धियां और बीमारियां दूर होती हैं। लोग युगों से ये मानते आए हैं कि जो भी मरकथा लिंगम की सच्चे मन से आराधना करता है और उससे होकर गुजरे जल को छू लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन इन महाशक्तिशाली और बेशकीमती मरकथा लिंगमों पर कुछ पाखंडियों की भी नजर है। वो इनका व्यापार करना चाहते हैं। हमारे प्रांत से बहुत सी प्रतिमाएं दूसरे प्रांतों में निर्यात हो चुकी हैं और अब उनकी नजरें गड़ी हैं इन मरकथा लिंगमों पर जिसमें अपार शक्तियां समाई हुई हैं। ये कहानी एक इंसान को दर्शाती है जो मरकथा लिंगम को लेकर उसका निर्यात करना चाहता है। तो देखते हैं उसका ये सफर। इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले मुझे अपना नाम और अपनी पहचान बदलनी होगी। तो इस ऑपरेशन के लिए अब से मेरा नाम होगा सुरेश चंद्र। अगर बिना वेपन और वॉयलेंस के कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह होती है तो हम बिना प्रॉब्लम के इजीली निकल सकते हैं। जब भी मैं कोई बेशकीमती चीज चुराता हूं तो हमेशा यही फॉर्मूला अपनाता हूं, और अब मरकथा लिंगम चुराने के लिए भी मैं यही करने वाला हूं।
मोर्गन, उन्हें पोस्टर अच्छे से चिपकाने को बोलना। और सुनो, इन्हें है, पैसे दे दो और देख लेना सारा बंदोबस्त बढ़िया से होना चाहिए। मुर्गन, तुम बात समझ गए ना? नमस्ते, हाँ नमस्ते सर। मेरा नाम है सुरेश चंद्र। हाँ? मैं मलेशियन चैनल का एक स्पेशल रिपोर्टर हूँ। हाँ बोलिए। आप मंदिर के ट्रस्टी स्वामीनाथन जी हैं? हाँ जी, क्या बात है? सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और हमारा चैनल वर्ल्ड वाइड फेमस मंदिरों की हिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। हाँ बोलिए। इस मंदिर की हिस्ट्री जानने के लिए क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ सर? आप गुजारिश कर रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? बताइए क्या करना है। ये वाइट शर्ट ठीक है ना, या मैं कुछ और पहन कर रहा हूँ? बताइए। नहीं सर, आप इन्हीं कपड़ों में बहुत अच्छे लगेंगे। मुर्गन। हाँ बोलिए। जरा सर को मंदिर के आसपास दिखा दो। ठीक है सर, जरूर। सर, आप शूटिंग शुरू कर सकते हैं। ओके सर। पंडित जी कहिए, के नाम पे खास पूछना। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ पंडित जी, आप तैयारी कीजिए, मैं बाकी इंतजाम देखता हूँ। सर, आपको और भी काम निपटाने होंगे तो मैं यहाँ पर अकेले देख लूंगा, आप जा सकते हैं। सर बाकी रिपोर्टर देवी देवताओं को कवर करते हैं, लेकिन ये तो मंदिर को कर रहा है। मंदिर का वीडियो बनाते समय मैंने सबको कन्विंस कर दिया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। यह है मेरा पेन कैमरा। मंदिर में जो त्योहार है उसमें मुझे मंदिर के अंदर के सारे रास्तों को एनालाइज करने में ये बड़ी हेल्प करेगा। मेरा टारगेट अचीव करने का बिल्कुल सही टाइम यही है। सर नमस्कार। मैं इस मंदिर की सारी हिस्ट्री जानता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कब लेंगे? रेडी हो सर, चेहरे पर कुछ क्रीम पाउडर लगा लूं क्या? बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सर। शिव शिव। प्राचीन पवित्र ग्रंथों के मुताबिक महानंदीश्वरम के इस मंदिर का महत्व बहुत ही विशेष है। मैं इस मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ जी। इस मरगथा लिंगम के मंदिर की विशेषता है कि वो लिंगम बेश कीमती है। प्राचीन समय में इसकी कीमत को करोड़ों में आंका गया था। इस लिंगम पर छिड़की जाने वाली राख बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती है। हर साल बेशुमार लोग यहाँ आते हैं और मरगथा लिंगम की पूजा आराधना करते हैं। लोगों का अटूट विश्वास है यहाँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपने देखा ना, सारा बंदोबस्त मैंने किया है। कितना हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा। मंदिर में बहुत रौनक है। अरे सर, वहाँ क्या कर रहे हैं? आइए हमारे साथ, आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। आइए, यहाँ खड़े होकर क्या मिलेगा आपको? हाँ, मैं आता हूं ना। अरे चलिए ना, आप चलिए। आइए, हाँ, चल तो रहा। आइए आइए, बहुत अच्छा लगेगा। आइए आइए, ले लिया। आइए आइए सर जी। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय अरविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ॐ श्रीमन् महादेवाय नमः। हेलो सर, यहाँ वीडियो लेना मना है। ओह सॉरी, वो मेरे साथ हैं। सॉरी सर, वो हमारी पूजा और रस्म रिकॉर्ड करने आए हैं। सर आप लेते रहिए। थैंक्स सर। कोई बात नहीं। भोलेनाथ की।
तू यहाँ मंदिर में क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस दर्शन करने आया था। आता हूँ। हेलो। हाँ संजय, कैसा है तू? या आई एम फाइन। प्रोसेस कैसा चल रहा है? यार कहा जाए तो ये मरगथा लिंगम को हम लॉक तोड़कर तो चुरा नहीं सकते। बात यह है कि रात को वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है और वहाँ की कंपाउंड वॉल भी बहुत ऊंची है, तो दीवार को पार करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर तेरा नेक्स्ट मूवमेंट? एक सीक्रेट प्लान है। सुरंग, एक प्राचीन सुरंग। रियली? इज इट पॉसिबल? तुम कर सकते हो? नॉर्मली देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सीरियसली देखा जाए तो ये पॉसिबल है। मैंने बहुत सर्च किया और बहुत सोचा। वेपन्स के बिना, वायलेंस के बिना ये प्रोसेस करना, इट्स नॉट इजी। 600 करोड़ वर्थ का लिंगम, उसे चोरी करना मामूली बात नहीं है। तुम्हारे लिए मामूली बात होगी संजय, तुमने एक महीने में वो लिंगम लाकर पार्टी को देने का प्रॉमिस किया है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओके, जल्दी ही गुड न्यूज के साथ फोन करता हूँ। बाय। सारी पुरानी किताबें शेल्फ नंबर 6 में रखी हैं सर। थैंक यू मैडम। जी। सर हम रिसर्च बुक घर ले जाने के लिए नहीं देते हैं, आप मीडिया से हैं इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, सेफली रिटर्न कर दीजिए। जी जी, मैं सेफली रिटर्न करूँगा। मुझे सुरंग के बारे में लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली और मैंने उसे पढ़ा। ये बुक साफ साफ दर्शाती है कि वहाँ एक सुरंग है जो मंदिर से एक खास जगह को जाती है, और उस सुरंग को राजा के द्वारा खुद खोदा गया था। उस टनल में पहुँचने के 2 रास्ते हैं और उसके बाद मंदिर में पहुँचने का बस एक ही रास्ता है। इस बुक को सालों पहले लिखा गया था, इसलिए ये जानकारी कितनी सटीक होगी ये तो पता नहीं। बुक के मुताबिक इस जगह पर एक वराही नाम का मंदिर हुआ करता था जो प्राचीन समाधि के पास बना हुआ था। कुछ पुरानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस मंदिर से टनल को एक रास्ता जाता है, लेकिन रेलवे ट्रैक और यहाँ बने घरों की वजह से अब ये जगह बहुत ही अलग दिखती है। अब यहाँ पर सुरंग कहाँ है वो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार किसी तरह से मुझे पता चल ही गया कि मुझे मंदिर के अंदर ले जाने वाली सुरंग नंदी की प्रतिमा के पीछे है। अगर मुझे पता चल जाए कि सुरंग के पीछे कैसे जाना है, तो इस सुरंग के अंदर जाने वाला इस दौर का मैं पहला आदमी रहूंगा जो नंदी की प्रतिमा से मरगथा लिंगम तक जाती है। अरे भाई सर, पुराने मंदिर के लिए कौन सा रास्ता है? सीधे जाना है सर। थैंक्स। पुरानी किताबों के अनुसार मंदिर को जाने वाली सुरंग यही है। जहां तक मेरा मानना है, मेरे ख्याल से वो सुरंग यही कहीं होनी चाहिए। Thank you.
सालों पहले लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे, लेकिन बाद में यहाँ बहुत से लोग मरने लगे, इसलिए गांव वालों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कोई तो ऐसी शक्ति है जो लोगों को मारती है, और उसके बाद लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया। और उस मंदिर तक जाने वाली सुरंग के बारे में जानने के लिए मैंने कुछ कोर्स लिए, और इस मिशन में मुझे उनसे काफी मदद भी मिल रही है। यस। सुरंग के अंदर ले जाने वाला रास्ता मैंने ढूंढ निकाला है, और इस पर काम करने के लिए मुझे एक लोकल आदमी चाहिए, लेकिन इसका प्रोसेस सीक्रेट रखना होगा। उनको कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो सीक्रेट क्या है, इसलिए मुझे काम का बंदा ढूंढना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएगा। केयरफुली प्रोसेस करना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये लीजिए सर। हाँ, थैंक यू। एक्सपर्ट के साथ दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये स्वीट रवि का घर यहाँ से सीधे जाओ, आखिरी वाला घर है। कल भी मैंने कहा था घर का ये सामान लेके आना, कितनी बार तुझे समझाया, मेरी सुनते ही नहीं। जाने देना उसको, मुझे भी चाहिए, मुझे दो। एक्सक्यूज मी मिस्टर स्वीट रवि, मैं हूँ सर। दरअसल मैं मलेशियन चैनल का एक स्पेशल रिपोर्टर हूँ, मेरा नाम है सुरेश चंद्र, और यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ, मलेशिया से आए हो, जूते मत उतारिए, डायरेक्ट अंदर आइए। आइए सर, बैठिए। सर, पानी पियेंगे क्या? सॉरी रवि, मैं बस मिनरल वाटर ही पीता हूँ, तो डोंट माइंड। हाँ ठीक है। सर, ये पानी भी तो सेम ही दिख रहा है ना, ये आपके पानी से तो महानदी का पानी ज्यादा अच्छा है, मैं खुद इसका सबूत हूँ। वेल एक्चुअली रवि, मैंने तुम्हारे बारे में पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। यू सीम लाइक अ वेरी फैसिनेटिंग पर्सन। सर, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हो,
और तुम्हारी चोरियां भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। सर देखिए, मुझे चोर मत कहिए, मैं बस चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूँ। बचपन में मैंने पड़ोसी के घर से लकड़ी उठाई थी दूध गर्म करने के लिए। बाद में हर कोई मुझसे मदद मांगने लगा। मैं तो शरीफ इंसान हूँ सर, इसलिए मैंने सबकी मदद करना शुरू कर दिया। बचपन में ही माँ बाप छोड़ के चले गए, इसलिए मैं सेट नहीं हो पाए सर। इसलिए मैं पुरानी चीजें रिपेयर करना, थिएटर में पोस्टर चिपकाना, नई फिल्म रिलीज होने पर माइक पर अनाउंस करना, बस इन सब से ही गुजारा करता हूँ सर। सर ये सब इंटरव्यू में कह सकता हूँ? सर जरूरी फोन है, बात कर लो ना बात। हेलो, हाँ बोलो। तुमने फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या कहा? अभी मैं पुल पर हूँ, यहाँ बहुत शोर है। क्या तुम पुल पर हो क्या? हाँ। तुम तो कभी नहाते तक नहीं, तो वहाँ क्या करने गए हो? अरे नहीं, मलेशिया से कोई मेरा इंटरव्यू लेने आया है। ये एक स्पेशल इंटरव्यू है, इसलिए मैं सर के साथ जा रहा हूँ। क्या कहा? कोई मलेशिया से तुम्हारे लिए वहाँ आया है? तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक है ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी सर। क्यों रवि, गर्लफ्रेंड है क्या? सर ऐसा मत कहिए सर, वो मेरी होने वाली बीवी है। सर क्या आपको पता है, मैं सिर्फ उसी से बात करता हूँ, उसी से मिलता हूँ, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है सर। वैसे वो बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी लड़की है सर। वो अपनी छोटी बहन की पढ़ाई, अपनी माँ का इलाज करने के लिए बहुत मेहनत करती है। उसकी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मैं उसकी परेशानियाँ दूर करना चाहता हूँ सर, लेकिन मेरे बस में नहीं है। डोंट वरी रवि, सब ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। सर बहुत उदास फील हो रहा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सिगरेट पी लूं? श्योर। राइट। क्यों रवि, बहुत प्यार करते हो उससे? सर लव बोलकर बदनाम मत करो सर, मेरे लिए उसकी और उसके लिए मेरी फीलिंग मजबूत है सर। बहुत लोग कहते हैं सर कि मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ सर, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अच्छा सर, क्या आपने कभी लव किया है? इतने डिसेंट हो, लव कहाँ से करोगे? सर आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो मेरे जैसे दाढ़ी वाड़ी पालने वालों को ही पसंद करती है सर, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात है सर, कुछ लड़कियां अच्छे लड़के ढूंढती हैं और उनसे ही लव करती हैं, पता है? सर जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम कभी भी नहीं भूल पाते। जब वो सुबह सुबह बस पकड़ने जाती है, जिस तरीके से वो धीरे धीरे चलती है, ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। दंताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहे तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। मैं आपको भी बहुत बार जगह-जगह शिफ्ट कर चुका हूं, लेकिन तब तक मैं ऐसे काम करते रहूंगा, अब खुद अच्छी जगह शिफ्ट होना चाहता हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। ओ, डोनेशन। अच्छा है अच्छा। पंडित जी हाँ, एक रुपया ले लो और 9 रुपया वापस दो। शक्ल से ही कंजूस लग रहा है ये ले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। थैंक यू। अगर आपका साइज थोड़ा छोटा होता ना तो मैं आपको भी कहीं शिफ्ट कर देता। अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं कुछ और जुगाड़ करूंगा। तू उसके साथ नहीं है तो वो भगवान गणेश को गले लगाकर बैठा हुआ है। आपने अपना पेट काफी लंबे समय से ऐसे ही मेंटेन करके रखा है। हे स्वीटी।
लगता है तगड़ा सेंट मारा है। खुशबू यहाँ तक आ रही है। आओ इस पर बैठ जाओ। क्यों जी, इसको भी गायब करने का प्लान बना रहे हो? हैं? ऐसा कुछ नहीं करना है। भी मत, वरना लोग तुम्हें पेड़ से उल्टा लटका के कोड़े मारेंगे। अच्छा तो क्या मैं बैठा रहूंगा जब वो मुझे पकड़ने आएंगे? इसे नीचे करो। क्यों? कोई इसे इतना ऊपर करता है क्या? तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? ठीक है तुम ऑफिस जा रही हो ना, आ जाओ बैठो, दो मिनट में छोड़ दूंगा। बैठ जाओ। ये क्या हो गया, तेल नहीं है क्या? लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करते हैं। क्या खटारा गाड़ी है ये, कभी सर्विस भी कराई है? सर्विस करता हूँ इसलिए तो अब तक मैं जिंदा हूँ। टाइम हो रहा है, मुंह बंद करो और चलो। बाइक का पेट्रोल टैंक भी ओके है, दिन बर दिन खटारा होती जा रही है। चल कोई नहीं, कल मूवी देखने चले। ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो, जाना है कि नहीं? हाँ क्यों नहीं, कौन सी मूवी? जबरदस्त एक इंग्लिश मूवी लगी है। इंग्लिश मूवी? अरे ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो, वो वैसी मूवी नहीं है, बल्कि उसे पूरा परिवार देख सकता है और तो और बुढ़े भी देख सकते हैं। क्यों चलोगी ना? ठीक है ठीक है, ऑफिस आ गया मेरा, अब तुम जाओ। ठीक है, ए सुनो कम। हाँ बाय, अगर कोई पार्टी मिल जाए तो इसे बेच दूंगा। हे स्वीटी। क्या हुआ, ऑफिस नहीं जाना है? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? तो फिर ये लो। हाँ? तेरे हाथ से कैसे ले सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, ये रखो, टेंशन मत लो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मुझे वापस दे देना। मूवी देखने जाएंगे ना? हेलो स्वीट रवि बोल रहे हो ना? हाँ। मुझे अर्जेंट पुलिया के पास मिलो। क्या पुलिया में? हाँ भाई। शिफ्ट करना है? वहाँ शिफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही कर दिया है। कहीं और से ला कर दे दो। अच्छा अर्जेंट है क्या? जितनी जल्दी हो सके कहीं से बिला कर मुझे दे देना, समझ गए? ओके ट्राई करता हूँ। डिलीवरी करोगे? ए रख बे पागल। बात है, आज तो आपकी बाइक एक बार भी नहीं रुकी। मुझे भी यही डाउट हो रहा है। अच्छा है ना? हैं? ये क्या है, लगता है तुम्हारी फैक्ट्री के सभी लोग यहीं आए हैं। आखिरकार आ ही गए। अरे इंग्लिश फिल्म में अकेले तुम्हारे साथ कैसे देख सकती हूँ, वो मेरी सेफ्टी के लिए है। ए वाणी जल्दी आ रही, शो छूट जाएगा। क्या रवि कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, कितना लेट कर दिया तुमने। अरे आंटी वक्त बर्बाद मत करो और चलो। ठीक है चल अंदर। अरे क्या कर रही हो तुम, उसे छोड़ो, मुझे तुम्हारी पड़ी है, उसे पॉपकॉर्न की पड़ी है। चलो पॉपकॉर्न के नाम पर कबाब में हड्डी बन गई है। अरे तुम्हारे सर पर बारिश की बूंदे है। अपना भी साफ करता हूँ, करता हूँ। चलो ठीक है अब मूवी पर फोकस करते हैं। अरे सब लाल दिख रहा है, अरे अब हरा दिख रहा है, इसे पहनकर तो सब रंगीन दिख रहा है यार। ये पांचों तो डायन जैसी दिख रही हैं। फिल्म वहां चल रही है, वहां देखो। अरे अपने साथ इन्हें क्यों लाई? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तो बस मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, फिल्म देखने दो। अरे ये क्या, ये इंग्लिश मूवी में खाकी वर्दी वाली पुलिस कहां से आ गई? अरे वाह वाणी क्या 3D इफेक्ट है ना, ऐसा लग रहा मुझे कोई छू रहा है। चश्मा उतार कर देखो, गजब का इफेक्ट लगेगा। अरे ओरिजिनल पुलिस है। क्यों रे, MLA के घर से मूर्ति गायब की और उसके भाई के घर में शिफ्ट कर दी। सर मुझे पता नहीं था कौन सा घर है। अच्छा चल पुलिस स्टेशन, बहुत दूर है सर, क्या आप मुझे ऑटो में लेकर जाओगे? अरे तू चल तो सही, हम तेरे लिए प्लेन मंगाएंगे। जुगाड़ करना।
क्या सर, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? चल चल। क्यों स्वीट, फुल चार्ज हो क्या? अभी जा बे, ज्यादा बोल मत, अभी पुलिस वाले तेरे को फुल चार्ज करेंगे। जा बे। शाम को याद से हमारे यहाँ जाना, ठीक है? ताकि तू मेरे पैसों से पी सके। रुको रुको रुको, चलो चलो। रोको 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 रोको, ए बोला ना रोको। क्यों स्वीट, तो जेल से आ गया क्या? कल हर पेपर में तेरी फोटो छपी थी, पता है ना? मैंने तेरी फोटो काट कर रखी है। बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह मेरे बहुत बड़े सपने नहीं है रवि, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम भले ही 150 रुपए कमाओ, लेकिन जितने भी कमाओ इज्जत से कमाओ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है रवि। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं एक चोर से शादी करने जा रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कोई चोर की औलाद कहे। सॉरी वाणी, अब से मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे हम बार बार थोड़ी इतने बड़े मॉल में आते हैं, बिना सिलेक्ट किए कोई चीज मत खरीदना, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम ऐसा करोगी तो सब सोचेंगे तुम कुछ भी खरीद सकती हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। ए वाणी चल लिफ्ट में चलते हैं। सुनो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ वाणी। क्या यार, स्वीट रवि यहाँ परचेस करने के लिए आया है तो आधी लाइट बंद क्यों है? जलाओ, सारी लाइटें जलाओ। आओ भाई, वो साड़ियों की कीमत क्या है? बहुत कॉस्टली है। हाँ, तब तो यही अपना एरिया है। अरे भाई जरा अपना मुंह आगे लाना, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बीवी ने मारा क्या? अब हंस भी दो और अपना मूड सही करो। भाई मैं आज पहली बार अपनी बीवी को सिल्क की साड़ी दिला रहा हूँ, जरा यहाँ देखो, वो साड़ी दिखाओ। हाँ, ये लो। हाँ, ये बताओ ये कैसी है? अच्छी नहीं है। हाँ ये वाली। ओके। ऐसा क्या भाई, जरा और साड़ियाँ दिखाओ। हाँ वहां से, वो वाली। हाँ ये वाली। ये कैसी है? इसका बॉर्डर कुछ सही नहीं लग रहा है। हाँ ये मस्त है, हाँ, है कलर भी अच्छा है, लेकिन इसका बॉर्डर बहुत बड़ा है। हाँ ये बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भी बॉर्डर बहुत बड़ा है। पता नहीं कौन सी पसंद आएगी इसे। सुनो 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 सुनो, जरा वो वाली दिखाना। हाँ दिखाओ। आओ इन साड़ियों को ट्राई करो। अरे अभी ट्राई भी करेगा क्या भाई? इसका बिल कर दो। भाई अब ये स्वीट रवि पहले जैसा नहीं रहा, पूरा बदल गया, समझ गए? समझ गया सर। साड़ी का पैसा काटने के बाद जो बचेगा, हाँ, उसे यहाँ के पूरे स्टाफ को टिप दे देना, ठीक है ना? जी ठीक है, ठीक है। उन्हें टिप दे दी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ए हाथ हटा। साड़ी कितने की है और तुम्हारा अमाउंट कितना है? तुम जानते हो ये साड़ी कितने की है? और 2000 में सारे स्टाफ को टिप देने की बात कर रहे हो? 10,000 की है ये साड़ी। 2000 देकर ढिंडोरा ऐसे पीट रहे जैसे 2,00,000 रुपए दे दिया। तो बेइज्जती क्यों कर रहे हो हमारी? चलो सुनो, साड़ी वापस रख दो। चलो ना स्वीटी, कोई बात नहीं, एक साड़ी तो है, फिर खरीद लेंगे। मैं कभी वाणी की मदद करने लायक नहीं बन पाया सर, फिर भी उसे लगता है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है सर। सर आप तो विदेश होकर आए हो ना, मैं भी दुबई में जाकर घर का बाहर का कुछ भी काम करना चाहता हूँ सर,
मैं वहाँ कुछ साल बहुत मेहनत करूंगा और पैसा कमा कर सेटल हो जाऊंगा। मैं अपनी वाणी का अच्छा ख्याल रखूंगा। तुम बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दूंगा। सर मैं आपकी मदद। तुम्हारी भाषा में कहें तो एक छोटी सी शिफ्टिंग, हमें राजराजपुरम मंदिर से मरगथा लिंगम शिफ्ट करना है। सर जो मैं अब तक करता था वो शिफ्टिंग थी, लेकिन जो आप कह रहे वो चोरी है। सर उस मंदिर में कितने गार्ड हैं, कितने वॉचमैन हैं, क्या आपको पता है? 10 गार्ड्स, 6 गेट और 5 वॉचमैन। और क्या डिटेल चाहिए? हम अपनी जिंदगी पैसों की आस में गुजार देते हैं, लेकिन वो खुद हमारे पास बहुत ही कम बार आता है। इस बार पैसा खुद तुम्हारे पास आया है, ये तुम्हारा टाइम है, इसे यूज कर लो। सर ये लो रवि, अपनी शादी की तैयारियां करो और जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, ले लो। मैं यहां पहले भी आ चुका हूं रवि, डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत रवि, सब सही हो रहा है। सर आराम से। सर मेरी हेल्प चाहिए क्या? सर क्या हुआ? यहीं से जाना है, आओ। अब पहले जाओ, मैं आपके पीछे आता हूं। सर आराम से, आराम से। आई एम ओके, आओ ना। अब चलते रहो सर, मैं पीछे आ रहा हूं। सर आपने तो कहा था ये बड़ी सुरंग है, ये तो बाथरूम जैसा लग रहा है। चले सर हम लोग वापस चलते हैं। सर टॉर्च,
रवि सर क्रैकर अरे यहाँ तो एक हाथी बना है सर हाँ? शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए यहाँ बहुत डर लग रहा है लगता है वहां कोई भूत है ये मंदिर वाली सुरंग है ऐसा कुछ नहीं होगा अभी मैं आगे आगे निकलता हूँ और तुम मेरे पीछे आना ये सुरंग कहाँ जाती है मुझे तो लगता है ये सीधे पुलिस स्टेशन जाती होगी सर हम बस पहुंचने ही वाले हैं इसलिए चुपचाप मेरे पीछे आओ ये पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है क्या राजा यही नहाता था जरा किताब में देखकर बताओ ना बताता हूँ से पार करेंगे तो हम मंदिर में पहुंच जाएंगे रवि ओके सर डन मरगथा लिंगम को चोरी करने के लिए अब सब कुछ रेडी हो गया लेकिन इस पूरी प्रोसेस को अकेले मेरे ही द्वारा किया जाना अच्छी बात नहीं है इसलिए मैंने गांव से एक आदमी को चूज किया सपोज अगर मेरा ऑपरेशन फेल हो जाता है तो एट द लीस्ट मैं वहां से बचकर भाग तो सकता हूं खाओ ना रवि मैं ले लूंगा सर अरे रोटियां और खाओ खा लिया सर खा लिया ठीक से खाओ यार इफ यू नीड एनीथिंग एल्स आस्क मी बाद में मैं तुम्हें मंदिर में जाने की सारी डिटेल्स बताऊंगा ये है हमारा रूट मैप और हम यहां से अंदर जाएंगे मैं वहां पर वेट करूंगा वहां से जाने के बाद तुम नंदी की मूर्ति के पास टाइम पर पहुंच जाओगे ओके फिर तुम मंदिर में जाओगे
ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। इस ग्लास को तोड़कर अंदर जाना है। क्या क्या मैं वहां से अंदर जा सकता हूँ? या फिर तुम इसे तोड़ोगे और अंदर जाओगे। इसी रास्ते से तुम अंदर जा सकते हो। ये यहां से तुम्हें बहुत सावधानी से जाना होगा। ये अच्छे से याद रखना, यही वो फाइनल लॉकर है जो तुम्हें तोड़ना है। और इसी लॉकर के अंदर रखा है मरगथा लिंगम। डरो मत रवि, आई विल बी वॉचिंग ओवर द कैमरा, राइट? मैं समझा नहीं सर। इस कैमरे के जरिए तुम्हें जाते हुए पूरा रूट मैं जीपीएस से देखूंगा। कल रात तुम मेरा मंदिर पर वेट करना। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं, अभी आया। कोई भी नहीं है, अंदर चलते हैं। रवि। हाँ। साउंड चेक। हाँ। कैन यू हियर मी? हाँ सर। या अच्छे से सर। गुड, लेट्स डू इट। हिम्मत रखना, तुम्हारी सारी एक्टिविटी मैं यहां पर वाईफाई से मॉनिटर करूंगा, तुम्हें सब बताऊंगा। ओके, अब जाओ। हे रवि, अरे ये बैट्स की साउंड है, डरने की जरूरत नहीं है। रवि वहां कहां जा रहे हो? लेकिन सर आप तो गए थे ना। थोड़ा सीरियस हो जाओ। हाँ ओके सर। पहुंच गया सर, बहुत प्यास लगी है सर। चेयर्स। जरा जल्दी करो रवि। ओके सर, ओके सर। हे इडियट, वो कैन वहां क्यों फेंका? क्या हुआ सर? उसे वापस उठाओ। सर खाली हो गई इसलिए मैंने फेंक दी। ठीक है, उठाता हूं सर। सर आप इतने डिसेंट टाइप के हो, ये खाली टीन का क्या करोगे? ए रवि, 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 कैन को छोड़ो, चलो फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम कम है।
रवि। कहां जा रहे हो रवि? रवि, रवि बात करो, क्या सुनाई दे रहा है रवि? स्वामीनाथन सर, जैसे ही आपका फोन आया मैं स्टेशन से निकल गया, मैंने पानी तक नहीं पिया, मैं बस सीधे वहां आ रहा हूँ। राजदुराई, मैंने फैमिली के लिए इवनिंग शो का टिकट बुक करने को कहा था, किया क्या? कर दिया सर। सब लोग सावधान रहना। यस सर। वो हाथ से बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। यस सर। समझ गए ना आप सब? यस सर। बहुत ज्यादा ही भीड़ लगी, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? नमस्कार सर, आइए सर, जल्दी आइए। स्वामीनाथ जी कहाँ हैं? स्वामी जी अंदर हैं। इस लिंगम की कीमत क्या होगी? सर लोगों का कहना है कि उसकी कीमत 500 करोड़ रुपए होगी। क्या कहा? 500 करोड़? हाँ सर। ये क्या कह रहे हैं? पता भी है, आजकल 5000 रुपए की चीज खो जाती है तो उसे पाने के लिए 500,000 खर्च करने पड़ते हैं, और कितनी आसानी से आपने 500 करोड़ कह दिया। यहाँ हमें ड्यूटी की टेंशन होती है, इन चक्करों में फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते। चलिए आइए सर। रात को सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर कहाँ थे? आधी रात का समय था इसलिए वो सो रहे थे सर। सुनो माला स्वामी। सर, सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को जरा करीब से चेक करो। ठीक है सर। अगर उनके सेल फोन में लास्ट मंथ अननोन नंबर से जुड़ी एक्टिविटी हो तो उसे ट्रैक करना, मुझे जल्दी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को और मीडिया को भी इन्फॉर्म कर देंगे, देखते हैं क्या पता चलता है। मरगथा लिंगम को वापस लाने के लिए हमें जल्द ही कोई एक्शन लेना होगा। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। राजराजपुरम के महानंदीश्वरम मंदिर से मरगथा लिंगम चोरी हो गया है। चोर मरगथा लिंगम चोरी करके ले गए और अब गांव वाले लिंगम को वापस लाने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके मिस्टर इरफान, व्हाट इज द स्टेटस नाउ? राजराजपुरम के महानंदीश्वर मंदिर का मरगथा लिंगम अब किसी दूसरे देश में भेजा जा चुका है मैडम। जैसे ही हमें मरगथा लिंगम चोरी हो जाने की कंप्लेन आई उसी सेकंड हमने ऑल ओवर इंडिया में सभी मूर्ति और प्राचीन कलाकृति के ट्रांसपोर्टेशन पर बैन लगा दिया मैडम। ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं को चोरी करके वो लोग हमारी परंपरा और संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। हमें हमारे मंदिर और पुरानी कलाकृतियों का संरक्षण करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी परंपरा
और संस्कृति को जान सके। पूजा के लिए मूर्तियाँ चाहिए, चाहे इंसान हो या शैतान हो, वो अपना सुख दुख ईश्वर से ही बताता है। इन मूर्तियों में ही उसे ईश्वर नजर आता है। इन सभी प्रतिमाओं की रक्षा हमारे डिपार्टमेंट का कर्तव्य है, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। थैंक यू मैडम, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत जल्द उन चोरों को उनके बिल से निकाल कर सामने लाऊंगा, ये मेरा वादा है मैडम। इसके लिए बस मुझे आपका एक फेवर चाहिए। या टेल मी। पिछले केसों में हम क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सके, भले ही वो क्रिमिनल्स हमारे सामने थे, और इसका कारण था हमारे डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मर। तो मुझे मेरी टीम में बस दो लोग चाहिए, उनमें से एक है मिस्टर एंथनी, इस केस से संबंधित टेक्निकल डिटेल्स के लिए, और दूसरे हैं मिस्टर पीताम्बरम। प्रोसीड। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मेरे बिना कोई ऑपरेशन वक्त पर पूरा होता ही नहीं है। हाँ, यहाँ वहाँ आकर लोग मेरी जान खाते रहते हैं। सर 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 नमस्ते सर। सर आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सर अभी तक तो मैं ठीक ही था। मुझे एक छोटा सा डाउट है सर, इतने लोगों में आपने इस ऑपरेशन के लिए मुझे ही क्यों चुना सर? मिस्टर पांडियन, आपके मुताबिक करोड़ों की कीमत का मरगथा लिंगम वो भगवान का प्रतीक है। पिछले महीने मंदिर से जो मरगथा लिंगम चोरी हुआ था, मुझे उसकी फोटोज और वीडियो फुटेज चाहिए। सर मैं कहां से लाऊंगा? कोई सीडी चाहिए तो ला सकता हूं। अरे किसी लोकल फोटो स्टूडियोस या मीडिया वाले ने उसे जरूर कवर किया होगा। मुझे जल्दी से अरेंज कर दो। ओके। हाय पापा। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, मैंने आपको कल फोन किया था लेकिन आपने नहीं उठाया। आपने क्यों नहीं उठाया? डैडी बहुत जरूरी काम में बिजी है बेटा, आप रात को बात करेंगे। है? ठीक है। जरा मम्मी से बात कराना। क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो मैं बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, यही कहते हैं ना आप मुझसे, जब टाइम होगा तो अच्छे से बात करेंगे, समझ गए ना आप? अब फोन रखती हूँ। हमने जो चीज खोई है वो बहुत ही कीमती थी सर, सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए। ऐसा होगा हमने कभी नहीं सोचा था सर, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ। बाय, धन्यवाद सर। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे चोर पकड़े, कुछ आसानी से पकड़े गए, कुछ के पीछे बहुत भागना पड़ा। क्या ये चोर भी मुझे ही पकड़ना है सर? प्लीज मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद हैं। अरे मैं बिना बात के नहीं रह सकता सर। कहाँ फंस गया? हेलो सर, जब ये पीताम्बर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो बिना जानकारी निकाले पीछे नहीं हटता। आप जाइए, मैं एविडेंस के साथ आऊंगा। ये स्वामी क्या बना रहा है? अब तो खत्म हो गया। स्वामी बताइए ये क्या है? मुझे कुछ पता नहीं है सर। आपको कैसे नहीं पता? बिना जानकारी के खत्म कैसे हो गया? कल 8 बजे सुबह भगवान का प्रसाद था लेकिन आज सुबह क्यों नहीं? अब ये खत्म हो गया सर। अरे खत्म कैसे हो गया? थोड़ा बहुत तो बचा होगा ना? बिल्कुल नहीं सर। नहीं है? और क्यों नहीं बनाया? नहीं सर। अच्छा इसमें क्या? अरे रे 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 रे, इतना सारा प्रसाद, ये किसके लिए है? मैं इसे एविडेंस के तौर पर ले जा रहा हूँ।
देखता नहीं क्या? देख कर गाड़ी चला। सॉरी सर। ए, स्वीट। हाँ, कैसे हो सर? ये क्या रे, तू जेल से बाहर आते ही अमीर बन गया क्या? वो मेरी शादी हो रही है ना, इसलिए। सॉरी सर। ये किसी भी मंदिर से मूर्ति चोरी कर लेता है सर। यही एक ऐसा चोर है जिस पर कोई केस नहीं है सर। क्या तुमने इसे केस के लिए इंट्रोगेट किया है? वो मंदिर में कभी भगवान की पूजा करने भी नहीं जाता है। मैंने तुमसे ये पूछा है क्या? हाँ, नहीं सर। ए, चल रे, साइड हो। ए, बाजू हो रे, चल साइड हो। हाँ, अरे शादी के खर्चे की चिंता मत करना। तुम्हें जो चाहिए बस उसकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दो। मैं एक दूसरा अच्छा घर देख रहा हूँ, हम जल्दी वहां शिफ्ट हो जाएंगे। जरा रुकना, लगता है कोई आया है। बाद में फोन करता हूँ। हाँ, कौन हो सर आप? क्या चाहिए सर? नहीं, पहले स्कूल को तैयार करो फिर बात करना। किसका फोन है? चलो, हो गया। हाँ बोलो ना। रवि को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, वो कह रहे हैं कि उसने लिंगम चुराया है। चल चुपचाप चल। सर क्या हो रहा है सर? चल चल चल। सर क्यों नहीं जा रहे हो मुझे? चल, होशियारी मत कर सर, चल नहीं तो दूंगा एक। मैंने कुछ नहीं किया सर। चल रे, चल चुपचाप चल। कहाँ जा रही है? रवि, चल चल रवि, चल। अरे चल चल अंदर, चल गाड़ी में बैठ। उसे छोड़ दीजिए सर। चल रवि। ए बिछट बिछट। रवि 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 रवि। रवि
तू मूर्तियां चुरा कर उन्हें 150 रुपए में बेच देता था, अब तेरे पास महंगी बाइक, फॉरेन के सिगरेट कहां से आई? बता कहां से आई? मुंह में जुबान नहीं है क्या? सर क्या बताऊं? सर कौन था वो? किसने दिया? किसने दिया ये सब? चल बता। तुझे सब पता है, तू सच बताएगा। सर सर उसने कहा वो मलेशिया के चैनल में काम करता है, उसने कहा वो मेरा इंटरव्यू लेने आया है सर, और फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे लिंगम के बारे में बताया। जब उसने ऐसा कहा तो मैं बहुत डर गया था सर। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे मेरी शादी के लिए और जिंदगी भर चैन से खाने के लिए पैसा देगा। उसने मुझे कैसे भी राजी किया और अपने साथ ले गया। रवि, रवि, हेलो, हेलो, सर, सर, मेरी आवाज आ रही है सर? सर, हेलो, अब कौन से रास्ते जाऊं? क्या आप सुन सकते हैं? अब कहां जाऊं मैं? रवि, अब नीचे जाओ। हाँ, 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 ओके सर, ओके सर। क्या हुआ रवि? सर एक मिनट सर। सर डर लग रहा है, वापस आ जाऊं क्या? रवि रवि फोकस, बस थोड़ा सा और, जरा ठीक से सोचो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी पल्सर बाइक, तुम्हारी शादी, वाणी की खुशी, जस्ट गो मैन। ओके सर। चाबी से ट्राई करो। वो छोटी वाली चाबी जिसमें रेड टिप लगा है, आ, 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 आ,
खुल नहीं रहा है सर। रवि रवि छोड़ो उसको, सिलेंडर यूज करो। रवि केयरफुल, बाहर आओ जल्दी से बाहर आ जाओ। आराम से रवि, लिंगम को संभालना। सब कुछ पैक करो रवि। ओके सर। ये पाप तो नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रहा तुम्हारा बैलेंस अमाउंट। ये मैंने आपके कहने पे किया, अब मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है सर। हिम्मत रखना, सब ठीक होगा ना सर। बाय रवि। वो मरगथा लिंगम लेकर चला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, लेकिन मेरी शादी, मेरी बीवी, मेरे सपनों ने मुझे अंधा कर दिया। सर मुझे माफ कर दो, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, मेरी शादी होने वाली है सर, सर सर। उसने जो कार यूज की थी उसका नंबर। अच्छा, उसने पर्पज ऑफ द विजिट क्या बताया था? सर, इंडिया की खास मूर्तियों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उन्होंने कहा। तो क्या आपने उसकी आईडी प्रूफ वगैरह ली थी? देखने दीजिए सर। मिस्टर प्रभाकर, रूम नंबर 405 में जो गेस्ट है उसके डिटेल देना जरा। ये वाला ना सर? ये लीजिए सर। मिस्टर एंथनी, जो नंबर मैंने आपको भेजा है वो चेन्नई के एक ट्रेवल एजेंसी की कार का नंबर। ओके सर। उसी कार को अक्यूज ने यूज किया था। ओके। तो जरा इस कार की ट्रेवल डिटेल्स कलेक्ट करके मुझे इमीडिएट मेल करो। मुझे कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन आपके लिए मैंने ये डिटेल कलेक्ट की है।
क्या हुआ? सर, इसमें जो फोटो थी अब वो फेड हो गई है सर। उसने केमिकल यूज किया। अब तो ये फोटो पहचान में भी नहीं आ रही है। यही है उसका नंबर। हाँ सर। हेलो मिस्टर एंथनी, मैंने आपको एक्यूज्ड के लाइसेंस की फोटोकॉपी भेजी है, जरा चेक कीजिएगा। ओके सर। उसके बाद आप पीताम्बर के पास जाइए। ओके। उसकी कस्टडी में रवि है, उसे कुछ डिटेल कलेक्ट करिए। ओके। और एक्यूज्ड के फेस का अप्रोक्सीमेट स्केच बनवाइए। ये काम जरा जल्दी करिएगा। ओके जरूर करता हूँ सर। रेडी होने के बाद मुझे बताइए। ओके सर। आप श्योर हैं कि वो ऐसा ही लगता होगा? सर, आपने जो एक्यूज्ड की ड्राइविंग लाइसेंस की जेरोक्स कॉपी भेजी थी और रवि ने जो डिटेल बताई उसके हिसाब से मैंने ये स्केच बनाया सर। और जब मैंने स्केच स्वीट रवि को दिखाई तो उसने भी कहा कि ये स्केच उसके जैसा ही दिखता है। सर, चेन्नई मोटर्स में जो उसने नंबर दिए थे वो सिम काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमने उस मोबाइल नंबर का IMEI नंबर ट्रैक किया है। वेरी गुड। सर, वो जब अपना पहला सिम यूज कर रहा था तो एक फॉरेन कॉल भी किया था। अच्छा। लेकिन सिम कार्ड की डिटेल से लग रहा है कि वो किसी हिल स्टेशन पर था। इज इट? हाँ सर। सर, सुरेश चंद्र नाम से कोई मलेशियन चैनल में स्टाफ ही नहीं है, मैंने इंक्वायरी की है। जैसे कि हमने उम्मीद की थी, राजराजापुरम के मंदिर में संजय ही इन्वॉल्व था। वो अपने हर एक ऑपरेशन में अलग अलग गेटअप लेता है, लोकल लोगों को बेवकूफ बनाता है और आसानी से अपना टारगेट अचीव कर लेता है। मैडम, वो प्राचीन कलाकृतियों को ही अपना निशाना बना रहा है। अब तक अरबों रुपयों की चीजें चुरा चुका है वो, और बहुत सफाई से करता है सब। हो सकता है वो इन कलाकृतियों को चुरा कर किसी खुफिया जगह पे छुपाने के बाद उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं करता, इसीलिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। मुंबई में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा है वो। ना तो उसकी कोई फैमिली है और ना ही कोई फ्रेंड, इसलिए उसे ट्रैक कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग है। उसे पकड़ने के बाद ही इन कलाकृतियों की चोरी पर कंट्रोल किया जा सकता है। पकड़ तो उसे लूंगा मैडम, हालांकि उसका जो स्केच बना है वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला रवि अभी भी हमारी कस्टडी में है मैडम, हम उसके सहारे उस तक पहुंच सकते हैं। ओके इरफान, यू डू इट। दीदी दीदी कार्ड रेडी हो गए हैं दीदी, एक बार चेक कर लो। चाय पियोगे क्या? कोई बात नहीं दीदी। वाणी वाणी, क्या हुआ बेटी? तेरी माँ जिंदा है, मैं कुछ करती हूँ। माँ, रवि कब वापस आएगा? माँ कब आएगा? माँ सर। मिस्टर पीताम्बरम। हाँ सर। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लीजिए। हाँ। रवि को भी खिलाइए, मैं थोड़ी देर में वापस। ठीक है सर। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ए, चलो खाना खा लो, आजा। हाँ, खाना बना है ना? हाँ, ये ताजे तो दिख रहे हैं। कड़क है। अच्छा सुनो, 4 बन पैक करना और उन्हें गाड़ी में रख देना। ए, रुको रुको रुको, यहाँ पे आओ सर। एक कड़क चाय, एक मलाई चाय, जाकर मेरे लिए लेकर आओ।
और इसे जो चाहिए इसके लिए भी लेकर आओ, जाओ ना। तुम्हें डर लग रहा है ना, मैं अपनी सिगरेट पिस्टल से चलाता हूँ। बेटा जब एक बार मैं क्रिमिनल को पकड़ लेता हूँ ना, तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, अपनी पिस्टल से ही शूट कर देता हूँ। इसीलिए डिपार्टमेंट ने मेरा नाम पी पीताम्बर से पिस्टल पीताम्बर कर दिया। क्यों भाई, चाय रेडी है ना? सर रेडी है सर, बस अभी लेकर आया। सर हुँ? क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? किसको? वाणी को, मेरी चिंता हो रही होगी सर। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। कैसी हो वाणी? ठीक हूँ। शादी के कार्ड भी छप गए। रो मत वाणी। रवि, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे जेल हो गई तो शादी के कार्ड चला देना। मुझ में तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है वाणी। वाणी, रवि के बारे में कुछ पता चला? तो बिल्कुल ठीक है, उसने कहा वो जल्दी अच्छा? आएगा। अच्छी बात है। शादी में जरूर आना है। हाँ। सर कार में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको नहीं लग रही? पता नहीं क्या हो रहा है। सर कार को साइड में लगाइए, मैं देखता हूँ क्या है। सर टायर को चेंज करने में 20 मिनट लग जाएंगे, आप रेस्ट करिए। ठीक है, जल्दी करो। सर, हाँ? मैं कुछ मदद करूँ क्या? अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम जाकर सर के साथ बैठ जाओ, जाओ। अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज होने वाले टूर्नामेंट में जो भी टीम जीतेगी उसे मंत्री जी की तरफ से इनाम दिया जाएगा। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर चीयर लीडर्स भी मौजूद है। इस प्रोसेस का सबसे क्रूशियस पीरियड है ये। ऐसी हालत में शांति वाले जगहों में जाना ही बेहतर होता है और यही बहुत सेफ भी होता है। मैं चाहता हूं कि मेरा नेटवर्क किसी की पकड़ में नहीं आना चाहिए, लेकिन कहां जाना है ये तय नहीं कर पा रहा हूं। एक बात तो तय है कि मुझे भागते रहना होगा, मुझे अपना मकसद पूरा करना है और इस वक्त मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं है, बस अपना काम मैं अच्छी तरह से निभा दूं तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी में कुछ पा लिया। क्यों सर, टैक्सी चाहिए? नहीं भाई, ये बताओ तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? इसको तो मैंने कई बार देखा है सर, लेकिन कहां पर देखा है ये याद नहीं आ रहा।
देखो भाई, मैं दुनिया की कोई भी समस्या सुलझा सकता हूँ। तुम्हारी समस्या बहुत ही छोटी है। अगर एक बात कहूँ तो ये बहुत ही सिंपल है। मैं सर के पास जाऊँगा और तेरे घर जाने का सारा बंदोबस्त करा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। बोलूँ क्या? जब तेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरे बच्चे भी हो जाएंगे, तो तुम उनका नाम कुछ ऐसा वैसा मत रखना। उनके नाम के आगे भी पिस्टल पीताम्बर ही लगाना, समझ गए? एक मिनट सर, क्या तुम इन्हीं क्वार्टर्स में रहते हो? हाँ सर। तुमने कहीं इस आदमी को देखा है क्या? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। सर, जब मैंने एक्यूज्ड की लोकेशन ट्रैप की तो मुझे एक क्ल्यू मिला सर। सर, उसकी लोकेशन यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी पर एक रिजॉर्ट के पास दिखा रहा है सर। ओके एंथनी, एक्यूज से जुड़ी कोई भी जानकारी जरा सीक्रेट ही रखना। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। सर सर, ये ठंडी सही नहीं जा रही है सर। एक्यूज का कुछ पता चला सर, या उसे ढूंढने जाना है? सर, रवि आपसे कुछ बोलना चाहता है। बोल बोलना। सर, कल वाणी के साथ मेरी शादी है सर, और उसने सभी को शादी का कार्ड भी दे दिया है, ये सोच करके मैं वापस आऊंगा। हाँ सर, ये उस लड़की की जिंदगी का सवाल है सर। इसे ये पैसे दे दो और बस से इसे इसके घर भेज दो। ठीक है सर, बाकी डिटेल्स मैं बाद में बताता हूँ। यस सर। सर, आपका बहुत एहसान है सर। पता नहीं हर बुरे इंसान को दूसरा मौका मिलता है कि नहीं, लेकिन आपने मुझे एक मौका दिया है। अगर आप मुझे दोबारा देखेंगे तो मैं वाणी के साथ शराफत की जिंदगी जीता हुआ मिलूंगा। वाणी? हेलो, मैं रवि बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, कल सुबह तक मैं घर आ जाऊंगा। तुम कहाँ हो? मैं वो बस स्टॉप पर हूँ, माँ को बता देना। ठीक है, रखता हूँ।
मुझे जाने दे इरफान, मैंने इस मरगथा लिंगम को बेचने के लिए 600 करोड़ की डील की है। मैं तुझे इसमें से शेयर दूंगा, फिर तू अपनी फैमिली के साथ जिंदगी भर एंजॉय कर सकता है। मुझे अरेस्ट करके तुझे क्या मिलने वाला है? हाँ, न्यूज़पेपर में एक अच्छा फोटो तक नहीं आएगा, लेकिन मरगथा लिंगम का बड़े पैराग्राफ के साथ फोटो प्रिंट करेंगे। तेरे डिपार्टमेंट वाले तुझे शेक हैंड के लिए बुलाएंगे और बस 10,000 रुपए गिफ्ट करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इरफान, मुझे जाने दे। तुमने इस मरगथा लिंगम को बेचने की डील 600 करोड़ में फिक्स की है, तुम्हारे लिए जैसे ये कोई छोटा मोटा खिलौना हो। लेकिन जिन लोगों को इस पर आस्था है वो इसे भगवान की तरह मानते हैं। मैं तुम्हें ऐसी पवित्र चीज को यहां से कतई नहीं ले जाने दूंगा। इस लिंगम की कीमत तय करना तेरी औकात में नहीं है। आई नेवर अलाउड यू। कौन है बे तू? 4G के जमाने में रहने वाला तू आस्था की बात कैसे कर सकता है? तू? Are you mad? अबे मैं तो पहले ही ऐसे 3 मरगथा लिंगम चोरी कर चुका हूं। जो 3 लिंगम तमिलनाडु में चोरी हुए थे ना, वो मैंने ही चुराए थे। तेरे डिपार्टमेंट ने मेरा क्या उखाड़ लिया? तू तो बस मेरी फोटो बना सकता है, तू ये रिस्क क्यों उठाना चाहेगा? इरफान, ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है और बहुत बड़ा है। अगर तू मुझे अरेस्ट करेगा तो मैं कल ही बाहर आ जाऊंगा और मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तुझे तेरे ही डिपार्टमेंट से निकलवा दूंगा। डे आफ्टर टुमारो मैं इसे दोबारा चुरा लूंगा, फिर मैं इसे फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दूंगा और तू और तेरा कानून मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा।
तुम ऐसा दोबारा कर सको इसका तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। पापों को माफ कर देना और इसकी आत्मा को शांति देना। मैंने अपना फर्ज निभाया और दोषी को सजा दी। ऐसा करते समय मुझे उसकी जान देनी पड़ी, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर देना अल्लाह। इस संसार में रहने वालों को उनकी परंपरा और संस्कृति को संजोए रखने की सामर्थ्य देना और उन्हें फलने फूलने में उनकी मदद करना।